पहले बंद करो ये, क्या चला रखा। चलो भाई अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, बाहर पूरा अंधेरा हो रहा है। वृंदावन की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये पार्किंग वाला एरिया है, कोई गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं अभी तो, थोड़ी सी लगी हुई है बट ट्रैवलर जो बड़े बड़े टूरिस्ट ग्रुप्स लेके आते हैं। यहाँ पे बाहर भी बैठने का थोड़ा एरिया है, ये टूरिस्ट पूरा फैसिलिटेशन सेंटर है, मैंने अंदर से आपको दिखा दिया। मैं एक रात रह के भी एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे रहा, पर यहाँ पे ना चूहे बहुत ज़्यादा थे भाई, नींद में सब लोग परेशान हो रहे थे, चूहे थे भाई, कुछ करो अगर प्रशासन तक ये पहुँच रहा है तो। चूहे बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, और 60 रुपये का था ये सही था, लेकिन गद्दे ऐसे सिंपल से थे, तकिया नहीं था और उड़ने का भी नहीं था, वो आपको लाना पड़ेगा अपना। और पीने के पानी की भी कोई मेरे को ज़्यादा अच्छी व्यवस्था दिखी नहीं थी, पीने का पानी भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं, और वॉशरूम वगैरह वो तो मैंने यूज़ ही नहीं किया क्योंकि मैं अभी जल्दी निकल रहा हूँ सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो मैं रास्ते पे हो जाऊंगा तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग देखने का वो सब भी मिल जाएगा। बाकी आपको एडवेंचर देखने को मिलेगा वीडियो में। अभी देखो मैं सुबह सीधा सीधा बिस्तर से निकल के बैग पैक करके सीधा निकला हूँ मैं तो, बस के ठीक है, मतलब 60 रुपये में सस्ता है बहुत, और भी हैं रूम वगैरह भी है तो यहाँ पर आप रुक सकते हो, आके पता कर लेना रेट वगैरह, जो सबसे सस्ता है मैंने बता दिया 60 रुपये। वैसे 225 का भी एक बेड मिलता है यहाँ पर। मैं बाहर निकल के थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग अंधेरा हो रहा है अभी वैसे तो, चलो शुरू करते हैं। ये देखो ये है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, ये पूरी बिल्डिंग है आपको दिखाई दे रही है जो, और ये पार्किंग का जो एरिया है ना, यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो। मैं सोच रहा था यहाँ पे कैंपिंग लगा लूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब आप वृंदावन आओ और आपको पैसे नहीं खर्च करने तो आप ये पार्किंग का पार्किंग में अपना कैंपिंग टेंट लगा सकते हो। ये वो जो बाउंड्री देख रहे हो ना, वो थोड़ी सेफ़ है, उसके ऊपर लगाया जा सकता है अपना कैंपिंग टेंट, और यहाँ पे भी मतलब ठीक ही है, तो काफ़ी बड़ा एरिया है। अगर ये फुल नहीं है तो आप क्योंकि ना वो जो जिस हॉल में मैं रुका था ना भाई साहब, आवाज़ें आ रही हैं वहाँ पे थोड़ा सा, और चार्जिंग भी थोड़ा लगाओगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो सब बातें होती हैं हॉल में जो, क्योंकि बहुत शेयरिंग है ना, वो इतने सारे लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हो तो सब अपना ही समझते हैं, चार्जिंग हटा देंगे आपकी चार्जिंग और वो सब। तो ठीक है, अभी सुबह सुबह चल रहे हैं वृंदावन, घूमते हैं देखते हैं क्या होता है, कहाँ कहाँ जाते हैं। ओहो मज़ा आ रहा है। मैं हिचाइकिंग करना शुरू कर चुका हूँ यहाँ पे, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हिचाइकिंग। सुबह सुबह की एनर्जी अलग ही होती है, कोई टेंशन नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता, और टाइम बहुत होता है तो, और मुंह नहीं धोया मैंने बस सुबह बिस्तर से निकल के मैं तो, जैसे कैंपिंग टेंट होता है ना, जब हम कैंपिंग करते हैं तो सीधा बस पैक किया और सीधा निकल गए, वैसा ही है आज भी। लिफ्ट भैया लिफ्ट लिफ्ट। सुबह की पहली राइड मिल चुकी है, पूरा धुंध हो रखा है, अभी यमुना को क्रॉस कर रहे हैं हम, देखो कितना धुंध है भाई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस एक ट्रक चल रहा है आगे ये दिखाई दे रहा है। पूरा धुंध है, ओ मजा आ रहा है। टू व्हीलर पे लिफ्ट मिली है अभी, कितना सही टकला शायद 1 मिलियन आएगा ना, हाँ हो जाएगा। इधर जाना है आप, ओके थैंक यू बाय बाय। देखो भाई सुबह की पहली लिफ्ट यहाँ पे उतार दिया उन्होंने, वो इस तरफ चले गए, मुझे बोले कि आपको इस तरफ जाना है, ओके इस तरफ जाएंगे, 2 किलोमीटर बाद आएगा वो एक्सप्रेस वे, नोएडा आगरा वाला एक्सप्रेस वे, तो उस पर चढ़ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। ये बरसाने वाला रास्ता है क्या, कोई बताओ जरा, किसी को पता है तो, लग रहा है मुझे बरसाने वाला रास्ता है क्या, तो बरसाना भी जाने की सोच रहा था मैं। Hey, कुछ छोड़ देता हूँ मैं, पर फिर भी कुछ छोड़ देते हैं अगली बार के लिए, इंस्पिरेशन बना रहता है, मज़ा आएगा जाते हैं। यहाँ पे हिचाइकिंग अब शुरू करता हूँ मैं, चलो हिचाइकिंग हिचाइकिंग हिचाइकिंग। क्या मजा आ रहा है यार तुम्हें सुबह। लिफ्ट से यहाँ तक आ गया हूँ, इस बस को लेने आए थे वो भाई जिन्होंने मेरे को यहाँ पे छोड़ा, और ये पूरा एक्सप्रेस वे जा रहा है मेरे ऊपर है जो, इसी के ऊपर चढ़ना है मुझे, देखते हैं। और सुबह का नज़ारा अभी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ता हूँ और शुरू करता हूँ। ये वाला रास्ता तो वैसे अलीगढ़ और इधर के लिए जा रहा है, हाथरस वगैरह के लिए। यहाँ पे सुबह सुबह अभी सब लोग अभी अपनी दुकानें खोल रहे हैं, मैं भी देखता हूँ यार कुछ चाय वाय पीता हूँ, पहले मुँह धो लेता हूँ
और हाथ पूरे ठंडे हो गए भाई, इतना कोहरा था ना पीछे, इतना कोहरा था क्या बताऊं यार। ये देखो जरा, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा होगा पर गाड़ी चलते वक्त बहुत ज़्यादा लग रहा था, हाथ पूरे ठंडे हो गए, सुन पड़ गया पूरा। अच्छा बोतल भरने का भी है यहाँ पर, पानी भर लेता हूँ मैं पहले और कोलगेट वगैरह कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पार करनी है पर मेरे पास यार बैग है बड़े बड़े, पूरा कैसे मुश्किलें आती है भाई। ये रेलवे ट्रैक है, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ अभी, धुंध हो रही है पूरी यूपी के रास्ते, ऊपर चढ़ने का रास्ता कहाँ से, अयो यार ये एडवेंचर ये होता है मेरे को जो ज़्यादा मज़ा आता है ना, ऐसे ऐसे कच्चे कच्चे रास्ते पे, लोकल लोगों के रास्ते पे, हाईवे के ऊपर चढ़ना है, शमशान की ऐसी जगह से जा रहे हैं, मेरे को इसमें बड़ा मज़ा आता है। ताजमहल घूमना या वैसे वो सब नहीं, लाइन में लगना वो सब पसंद नहीं है मुझे भाई, इसमें बड़ा मज़ा आता है, थ्रिल है इसके अंदर एक। देखते हैं कितनी देर में दिल्ली की लिफ्ट मिलती है। मुंह धो लिया है मैंने, चाय भी नहीं पिया है अभी, सुबह सुबह उठ के ऐसे ही चल दिया था। ऊपर चढ़ने का रास्ता किधर से, इस वाले हाईवे पे, इस वाले पे इधर दिल्ली की तरफ, इधर इधर से जाऊँ क्या सीधा, कहाँ से बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा रास्ता। जंगल से मैं आ गया हूँ, कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ये यार ये आया है, चलो ये बताएंगे रास्ता। ये क्या क्या जला रखा है इन्होंने, नशे करते हैं जला जला के, पता नहीं टायर ऐसा है क्या है। ऊपर चढ़ने का रास्ता कहाँ से, वहीं जा रहे हो, ऊपर ही जा रहे हो आप, ओके ओके। एक भाई आ रहे हैं, ये हमें पहुँचा देंगे ऊपर, मतलब इस हाईवे पे। वैसे यूपी है ऊपर पर हम पहुंचा सकते हैं। ये हमारा एरिया है। नहीं नहीं आप सही है यहाँ पे, मैं वरना लोग पता नहीं क्या क्या मतलब निकाल लेते हैं उसके कि भाई यूपी कौन सेफ कैसे बोल रहे हो। नहीं सब सेफ है यार, मेरे को तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो, पर बहुत फ्रेंडली भी हैं लोग यहाँ पे ना। मैं तो खुद ही यूपी से ही हूँ वैसे, मेरे मम्मी पापा अलीगढ़ से ही है और अलीगढ़ का ही रास्ता भी है, थोड़ी दूरी है अलीगढ़ यहाँ से। मैं सोच रहा था कि चला जाऊँ पर फिर मैंने सोचा कि अभी एडिटिंग और वो सब बहुत काम है, अगली ट्रिप से पहले मेरे को वो भी ख़त्म करना है। तो कहाँ चल रही है, अच्छा सुसु कर रहे हैं वो, मैं बोला मुझे रास्ता आगे कहाँ चल। ठंड लग रही है यार हाथों में, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। टोपा भी मैंने इसलिए ऐसा पहने, इसका लुक नहीं आ रहा टोपे का, बहुत अजीब सा लग रहा है और कपड़े भी गंदे से हो गए हैं पूरे, जैकेट वैकेट सब अच्छा नहीं लग रहा। ओ मिल गया रास्ता, मिल गया, दिख गया रास्ता मुझे, दिख गया। यस, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, मेरे को भूल गया गाना में तो याद नहीं, ऐसी है क्या, मैंने सही बोला है। ऊपर चढ़ रहा हूँ दिल्ली की लिफ्ट, देखते हैं कितनी देर में मिलती है, मज़ा आएगा। ये देखो भाई ऊपर आ गया हूँ मैं, ये वाली एक बस खड़ी हुई है यहाँ पे, आवाज़ लगा रहे हैं, पूछते हैं कितने रुपये लेते हैं। कितने रुपए भी है नोएडा के, नोएडा के कितने रुपए लगते हैं, नोएडा के कितने रुपए लगते हैं भैया, तो पहले बंद करो ये क्या चला रखा है। ये मेरा यूट्यूब है, क्या हो गया बताओ ना, पूछ रहा हूँ
बताओ तो कितने रुपए लगते हैं? 180 रुपए। 380? 180। 180। अच्छा, ये 180 रुपए लेते हैं भाई। वही देखो सुबह सुबह मूंगफली करते हैं, मेरे को बंद करने को बोल रहा है। मैं क्या बंद करूँ भाई? बोला क्या चला रखा है तुमने? लोग पता नहीं क्या है, इनको फ़र्क क्या पड़ता है बताने से, क्या झूठ बोलना है इनको, क्या छुपाना है, समझ में नहीं आता। सबको प्रॉब्लम है। ये रोड पे हमने शुरू कर दिया है चाय के। मेरे को लगता है लुक की वजह से भी कभी कभी ऐसे लोग समझते हैं, मतलब कैसे बात करते हैं, क्या चला रखा है दे। वही लेबर क्लास वो सब जाते रहते हैं ना, वैसे वैसा समझते हैं तो वैसे ट्रीट करे, ओ क्या चला रखा दादा, ये बंद कर पहले। मैं क्या बंद करूं भाई, तू कौन है मेरे को बंद कराने वाला? अपनी बस ले जा यहाँ से, तेरा स्टैंड थोड़ी है ये जो तू यहाँ पे खड़ा है। चलो यहाँ से लिफ्ट जाएंगे, 180 रुपये बचाएंगे पूरा लिफ्ट लेके। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, 180 रुपये ले रही है बस, तो सोच लो कितना ही दूर होगा, थोड़ा सा ही किलोमीटर है। पर हाँ, टू व्हीलर पे नहीं लूँगा लिफ्ट भाई, टू व्हीलर वैसे अलाउड ही नहीं शायद, पर फोर व्हीलर पे मिल जाएगी मेरे को लग रहा है लिफ्ट। मेरे को लग रहा है अपना, मेरे को थोड़ा सा लुक मॉडिफाई करना चाहिए पहले, मैं थोड़ा अजीब सा दिख रहा हूँ अभी, समझ गया मैं। तुम्हारे ना लुक पे बहुत डिपेंड करता है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे, एक बात ये हमेशा याद रखना। ये मैंने कई बार नोटिस किया है, जब आप अच्छे दिख रहे हो ना, मैंने काला चश्मा लगा रखा है और थोड़ा स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो भाई अलग ही तरीके से ट्रीट करते हैं। और ऐसा जैसे अभी दिख रहा हूँ ना मैं, टोपा ऐसा है, कपड़े ऐसे ही है, तो लोग अलग तरीके से ट्रीट करते। सॉरी यार, तो लोग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं लोग, लुक्स पे बहुत डिपेंड करता है कि आपको कैसे ट्रीट करेंगे लोग। चलो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता हूँ, हीरो बन जाता हूँ थोड़ा सा। चलो अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अभी वो टोपा ऐसा था ना, अजीब सा लग रहा था, और लोग ना इसी पे जज करते हैं कि आप कैसे दिखाई दे रहे हो ना, उसी तरह से ट्रीट करते हैं लोग। भाई साहब मैंने कितनी बार नोटिस किया है कि जब ऐसे काला चश्मा लगा रखा है, थोड़ा हीरो टाइप के दिख रहे हैं ना, तो भाई अलग ही तरीके से सर सर करके ट्रीट करेंगे। और अगर लेबर क्लास जैसे दिख रहे हैं तो अभी जैसे कर रहा था, रह गए क्या चला रखा है ये बंद कर। गंदी गंदी सी भाषा होती है जो मतलब। चलो पर मजा आ रहा है यार, ओहो हाईवे के मजे, और फ्रेश भी हो गए हैं थोड़े, तो ठीक है बस लिफ्ट मिल जाए और थोड़ा सा चाय वाय हो जाए थोड़ा सा रास्ते में, तो बढ़िया मजा आ जाए यार। मैं सोच रहा हूँ कहीं पे खेत वेत टाइप का वैसा होगा ना, वहाँ पे रुक के चाय वाय पीते और क्या जिंदगी है यार ये, मतलब ऐसे निकल जाओ यार, आपके 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर कुछ होगा, ऐसे निकल जाओ, मिल जाएगा लिफ्ट, ये बनवा लो बस, बोर्ड बनवा लो एक और निकल जाओ, लिफ्ट तो मिल ही जाएगी। मेरे को तो बल्कि यार कभी ऐसे मन करता है कि मैं ये इस पे ना ऐसे ही पैदल ही चलूं, मैं लिफ्ट भी ना लूं, ये इतना प्यारा लगता है यार ये, खासतौर से सुबह सुबह का, तो मेरे को मतलब मेरे को मन भी नहीं कर रहा है सच बोलो तो लिफ्ट लेने का। अभी एक टैक्सी आ रही है, पीले नंबर की टैक्सी को कभी भी नहीं दिखाना है। शो, मेरे पास एक ग्लव्स है पर वो अंदर है, इसके अंदर, तो मैं सोच रहा हूँ उसे निकालूं कि नहीं, ठंड तो लग रही है थोड़ी सी, और मैंने टोपा पहना था कान वाला लेकिन उससे लुक नहीं आ रहा, तो नाइट्रोजन गैस फॉर टायर्स अवेलेबल एट पेट्रोल पंप। यहाँ पे ना बहुत फास्ट चल रही है गाड़ियाँ ना, तो रोक नहीं रही है, इसको ट्राई करता हूँ। रोको, ओए टैक्सी है, रोको 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 रोको, इतना काहे स्पीड में जा रहे हो। अरे हाँ यार, यहाँ पे ना एक्सीडेंट बहुत होते हैं, बहुत स्पीड में जाते हैं ना,
यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। पता है रोड की तो कैपेसिटी है कि तो आप फास्ट चला सकते हो, कई बार जो कार होती है ना उसकी कैपेसिटी नहीं होती और लोग भगा देते हैं और कार संभलती नहीं है, फिर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं बाबा। और वैसे भी इन जनरल भी रोड पे बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, तो मेरे को ये कई जगह पे मतलब पिछले 3 सालों में जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मैंने बहुत एक्सीडेंट देख लिए। मतलब मेरे को भी कभी कभी डर लगता है। कल मेरे को जो यहाँ की लिफ्ट मिली थी ना मथुरा की, वो बुलेट गाड़ी थी, वो भी काफ़ी फास्ट चला रहे थे, तो मैं उनको बार बार बोल रहा था कि बाबा थोड़ा स्लो करो यार, और वो ठीक है जल्दी पहुंचा दिया था। मज़ा आ रहा है यार। और मेरे को ना ये ट्राईपॉड की वजह से ज़्यादा एंगल को ऊँटा उठा के ऐसे वो नहीं पकड़ना पड़ रहा, मैं थोड़ा सा पकड़ रहा हूँ और पूरा पीछे का कैप्चर कर रहा है, जो कि गोप्रो में थोड़ा सा मुश्किल होता था, इसमें फ्रेमिंग बहुत अच्छी बन रही है। वाह, अर्ली मॉर्निंग हिचहाइकिंग का मज़ा ही अलग है यार। पर सुबह सुबह लिफ्ट नहीं मिल रही है, क्या हो रहा है, फास्ट तो रहते यार यहाँ पे सुबह सुबह गाड़ी। प्रारंभ थाना यमुनापुर जनपद मथुरा। वाव क्या रोड है यार, ये क्या रोड है, क्या मॉर्निंग है। सनराइज हो रहा है प्यारा सा, हल्की हल्की धुंध है, साइड में ढाबे हैं, फास्ट रोड है, क्या दिन है, क्या दिन है। क्या मजेदार दिन है, मजा आ गया हाईवे पे, क्या बोले, खुशियां खुशियां है, कोई आपको जज करने वाला नहीं है, है भी तो फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि वो बहुत दूर है वहां बैठे हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई जज करने वाला नहीं है, बस भारत यात्रा का बोर्ड ले और घूमने निकलो। लिफ्ट मिल जाए, ये देखो कितना फास्ट है, ये तो सुन रहा है। स्पेशल कुल्हड़ चाय मिल रही है 20 रुपए की वहाँ पे सामने, और ये मैं ये कांटे क्रॉस करके नहीं जा सकता, ये जो कांटे बने हुए ना कांटों वाली ये बनी हुई है। तो ये भैया ने हमको नोएडा तक की लिफ्ट दी है और ये हमें फॉलो भी करते हैं, तो इन्होंने हमको पहचान लिया था। वैसे ये यहाँ पे ना रोकते नहीं है, यहाँ पे ज्यादा रोकने का चलन नहीं, नहीं ये तो मथुरा से नहीं रोकते हैं, लेकिन एज एन नोएडा साइड में मैं रोकता नहीं हूँ अगर कोई लिफ्ट के लिए ऐसे अप्रोच करता है, बट आई नो यू, दैट्स व्हाई आई स्टॉप फॉर यू। आपका अप डाउन होता रहता है ये वाले रूट? हाँ, मैं नोएडा टू मथुरा अप डाउन करता रहता हूँ। तो अभी हमने वॉशरूम का ब्रेक लिया यहाँ पे, 5-10 मिनट रुकते हैं यहाँ पे, उसके बाद आगे चलेंगे। मैं ना सुबह सुबह चल दिया था, मैं वहाँ पे रुका था, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है ना वहाँ पे, उसमें रुका था। तो मैंने सुबह जैसे ही उठा ना एकदम बैग पैक करके सीधा निकल गया, बाथरूम अभी कुछ नहीं, सीधा ब्रश किया था, वो भी अभी वाले हाईवे के नीचे एक अंडर पास उसमें उसके नीचे ही, तो वहाँ पे मैंने ब्रश वगैरह किया सब कुछ वहीं पे। तो मतलब मैंने निकल गया था ऐसे ही, चलो मिल गया वॉशरूम ऊपर सुबह सुबह, बढ़िया है। और यहाँ पे हाईवे के ना बहुत वेल मैनेज्ड होते हैं, मतलब सही से मैनेज्ड होते हैं। ये देखो इस तरह के वॉशरूम वगैरह होते हैं यहाँ पे, आप पूछ सकते कैसे होता है, ये देखो भाई सब कुछ होता है यहाँ पे, अंदर देख लेते हैं कैसा है। अंदर का तो अंडर प्रोसेस चल रहा है, ये देखो यहाँ पे सब अच्छा, यहाँ पे है
ओके यहाँ पे बना रखा है, सही है, बढ़िया है। ये देखो बाहर कितना ज्यादा कोहरा हो रहा है। इस रोड पे 120 पे चलने वाली गाड़ियां अभी देखो 50-60 पे चल रहे हैं हम, यमुना के किनारे किनारे। और इस एक्सप्रेसवे का नाम भी है यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे, तो ये जो एक्सप्रेसवे है पूरा यमुना के किनारे है, तो इसीलिए और ज्यादा यहाँ पे फॉग देखने को मिलता है और बहुत ही स्लो चल रही है गाड़ियां। क्या कर सकते हैं, पर ठीक है, सुबह सुबह एंजॉय कर सकते हैं मौसम को। अभी टोल आ गया, ये कौन सी जगह का टोल है, मथुरा वृंदावन टोल है, मथुरा वृंदावन वाला टोल आ गया भाई। हाँ, ये गाड़ी में सोते हुए आया, अब ये जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ और मैं इधर मुड़ जाऊंगा दिल्ली की तरफ। बाय बाय। हाँ, दिखा रहे हैं हमारे ये फॉलोअर थे यार, क्या सही जिंदगी है, सोते हुए आ गया यार, पता ही नहीं चला। चलो पहुँच गए, अब दिल्ली वाला टर्न ले लेते हैं लेफ्ट की तरफ और पहुँच जाऊँगा बस अभी घर में थोड़ी देर में ही। ये ग्रेटर नोएडा की तरफ चलेगा, इधर की तरफ, मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। ये खेतों वाले रूट मेरे को बड़े पसंद है यार। क्या यार, ये जूम होएगा क्या? नहीं, लेंस का फ़र्क पड़ जाता है ऑप्टिकल जूम में और इसमें जूम में ना फ़र्क हो रहा है, तो मैं जब वैसे जूम करता हूँ ना, जो तीन ऑप्शन है इसमें 2.5x का है, 1x का है और 0.5x जूम है जो, तो अगर मैं 1x पे जूम करके बाद में उसमें करूँ तो अलग क्लैरिटी आती है, जबकि मैं पहले से लेंस पे स्विच करके अगर करूँ तो अलग क्लैरिटी आती है। ये देखो वो जा रहा है ग्रेटर नोएडा का रूट और ये दिल्ली का रूट जा रहा है, इस पे जाना है मुझे। ऑलमोस्ट दिल्ली पहुँच चुका हूँ मैं। वाह, क्या ट्रिप थी, मैं सोते सोते आया हूँ यार, सोते सोते। चलो मैं लिफ्ट ले लेता हूँ, अब इस तरफ जो जाएंगे सब दिल्ली की तरफ जाएंगे, तो देखते हैं हमें कितने चांस हैं मिलने के। लिफ्ट, अरे यार हेलमेट लगाना पड़ेगा, मैं तो भूल ही गया।